बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पकौड़ों का प्लेटर तैयार करेंगे। पांच किस्म के पकौड़े बनाएंगे, पालक के, गोभी के, प्याज के, लौकी के और बैंगन के। अब मैंने इधर बेसन लिया है, इसमें कुटी हुई मिर्च शामिल करूंगी, साथ ही ज़ीरा थोड़ा सा डालूंगी, साथ ही मिर्च, लाल मिर्च पाउडर शामिल करूंगी, थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया शामिल करूंगी और नमक हस्ब ज़ायका। और इसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट डालूंगी अभी अजवाइन, और साथ ही इसमें दूसरा स्पेशल इंग्रेडिएंट डालूंगी अनारदाना, इससे टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाता है। अब मैं कुटा हुआ धनिया और पुदीना शामिल करूंगी। अभी मैं पानी लूंगी, मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। मैं थोड़ा सा और पानी लिए ताकि सही से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मेरा मिक्सचर सही से रेडी हो चुका है, तैयार है। ऊपर से थोड़ा देर से मैंने धनिया डाल दिया। अब मैं इसको जब फ्राई करने लगी, सबसे पहले हम बैंगन को करेंगे, लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन ना हो बस लाइट ब्राउन। हमारे मज़ेदार से बैंगन के पकौड़े तैयार हैं। अब हमें फूल गोभी के डाल रही हूँ। मैंने गोभी को पहले 5 मिनट बॉईल करके रख दिया था। कलर बस लाइट ब्राउन है। अब मैं लौकी के पकौड़े डालने लगी हूँ। ये हमारे लौकी के पकौड़े भी रेडी हो चुके हैं। अब मैं इधर प्याज के पकौड़े बनाने लगी, फ्राई करने लगी हूँ। ये देखें क्रिस्पी से प्याज के पकौड़े तैयार। ये मैं इधर पालक के पकौड़े डालने लगी हूँ। मुझे तो पालक के पकौड़े बहुत पसंद है। ये पालक के पकौड़ा मैंने बीच में डाला फ्राई के लिए। ये देखिए मज़ेदार से पालक के पकौड़े तैयार हो रहे हैं। ये हमारे पालक के पकौड़े भी रेडी हैं। ये हमारा प्लेटर तैयार है।